of me. Hold me tight. I love you. रात में आप सभी को बताया था यश आने वाला था घर पे, तो यश, जैद और नेक्सस तीनों आए थे। मैं चुपचाप बैठ के अपनी एडिटिंग कर रहा था, पर वो तीनों ने हर्ष और युवराज के साथ मिलके जो उधम मचाया है। रात को 3 बजे एडिटिंग करते करते मैंने ये सोचा कि अगर मैं अभी नहीं सोया तो मेरी रिकवरी बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट होगी, तो 3 बजे मेरा लैपटॉप बंद करके मैं शांति से सो गया। सुबह 10 बजे उठ के मैंने एडिटिंग शुरू की, 12 बजे तक एडिटिंग ख़त्म हो गई। तो मेरा ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था कि मैंने 1 go में 2 घंटे में वीडियो एडिट करके छोड़ दी, और बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ। मेरा #1vlog और #2vlog में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने में आएगा। अगली बार से हम क्या करेंगे, रात में जितनी हो जाए एडिटिंग उतनी ठीक, जहाँ नींद आना शुरू हो वहाँ सो जाएंगे और सुबह उठ के एडिटिंग करेंगे। मम्मी पापा लव और करण वापस इंदौर गए हैं, हर्ष और युवराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर छोड़ दो। बहुत ना इंसाफी है बे, दो हैवानों को हमारे ऊपर छोड़ दिए, संभाल लेंगे। आप लोगों को एंटरटेन करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी हमारे हर्ष बाबू आपको एक बहुत अच्छा सा, क्या बोलते हैं हर्ष उसको, कविता, एक कविता सुनाएंगे। वो जब तक तैयार हो जाए तब तक आपको बता दें, एक पार्सल आया था घर पे अभी, इसको खोल के देख लेते हैं। हाइक्स की ये नी स्लीव्स मैंने बुलाए थे अमेजोन से, इसको खोल के देखते हैं, पैकिंग बढ़िया लग रही है। यो इधर पकड़, मेरे को दिखाना। काफ़ी अच्छा क्लॉथ है इसका, और इसकी स्पेशलिटी ये मैंने सुनी है कि इसका फैब्रिक अंदर का अब अपने नीज पे निशान नहीं छोड़ता, इसके लिए ये मैंने ऑर्डर किए थे। इसका फिट का रिव्यू मैं आपको इसको यूज़ करने के बाद दूंगा, स्कॉट्स के वक्त कैसा रहता है, अच्छी फिट है कि नहीं। ये मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि रिसेंटली मैंने हैवी स्कॉट्स मारना शुरू किए हैं, और मैं एवरी वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके वजह से मुझे घुटने में थोड़ी तकलीफ आना शुरू हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ पुल हो रहा है। मैंने मेरे सर से पूछा, उन्होंने कहा ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है, अच्छे से वार्म अप करो, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये प्रॉब्लम शायद मुझे हाइट ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकती है। मेरे पटेला के पास कुछ तो भी तो अंदर से हल डोल रहा है, वो मुझे औरतों को दिखाना पड़ेगा। अबे बेटा, एक सेकंड में कैमरा कॉन्शियस हो गया ये लड़का, कोई तो नहीं है हर्षि? अरे इधर। तो हमारी यूट्यूब की जनता के सामने प्रस्तुत है हर्ष आर्य अपनी कविता के साथ, सुनते हैं उनके लफ्जों में। प्रसन्न मेरी वीरता से धरती आसमान थे, होने वाले धर्म से वो भी तो अज्ञान थे, घेरा साथ बाहर थी, और जो कहते खुद को सूर थे, अरे नी अति कठोर थी, मेरे पिता मुझसे दूर थे। ओह ओह ओह, लाजवाब, शानदार। मेरा ये जो YouTube चैनल है, ये मैंने एक प्लानिंग के साथ शुरू किया था,
और मुझे शुरू से क्लियर था कि मेरी जो पहली वीडियो रहेगी वो मुझे थोड़ी अलग बनानी है और इंट्रोडक्शन वीडियो ही बनानी है। वो वीडियो थोड़ी हटके रहे इसके लिए मैंने एक अलग भाषा का इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर बैनर आ रहा है, प्लीज़ क्लिक करके वो देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने लखनवी भाषा का इस्तेमाल किया था और वो वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और फिर सिर्फ और सिर्फ उसी वीडियो के अच्छे रिस्पॉन्स के वजह से हाइपर होके मैंने जो नेक्स्ट वीडियो थी वो भी लखनवी भाषा में शूट कर दी। और फिर मेरे नियर एंड डियर वंस के एडवाइस मेरे तक पहुंची और मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की कि शायद पहली वीडियो जो इंट्रोडक्शन थी उसमें अलग के चक्कर में मैं नहीं था। और एक इंट्रोडक्शन वीडियो के बेसिस पे मैं आप सभी से ये कहूंगा कि वो गलत भी नहीं है। पर उसके बाद जो मेरी सेकंड वीडियो आई वो लखनवी भाषा में शूट करते वक्त भी और शूट करने के बाद जब मैंने अपलोड किया उसके बाद जो रिव्यूज आए उसके थ्रू मेरे को ये समझ में आया कि मैं रियल नहीं लग रहा हूँ। आई एम बीइंग रियल जब मैं खुद को पोर्ट्रे कर रहा हूँ। बीइंग रियल प्रोवाइड्स मी मोर कॉन्फिडेंस। और आप सभी लोगों को भी यही एडवाइस दूंगा, आप लोगों को भी ये एडवाइस दूंगा, बी रियल, बी योरसेल्फ एंड बी मोर कॉन्फिडेंट। अभी भी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ कैमरा के सामने, एट द एंड इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। जैसे जैसे टाइम यही कह रहा था मैं कि जैसे 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 मैं और मेरा कैमरा एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, एक दूसरे को जानेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आई विल बी मोर कंफर्टेबल। ज्यादा रोमांटिक नहीं हो गया ये? ये जो मैंने पूरी चीज़ आपको बताई इसको बताने के पीछे मेरा एक ही रीज़न था और वो ये है कि मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आपके रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मैं बेकरी से रिटर्न आया हूँ। मैं ये लेने गया था पेरी पेरी मसाला। मेरे दिन का सबसे फेवरेट मील है सुबह का ब्रेकफास्ट जिसमें मैं सैंडविचेस खाता हूँ। और थोड़े दिनों से वो थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था क्योंकि मेरा ये पेरी पेरी मसाला ख़त्म हो चुका था। अब ये वाला तो मुझे मिला नहीं स्नैपिन का, तो मैं ये लेके आ गया। इसको ट्राई करके देख लेंगे। काफ़ी भयंकर तूफान आया था, शायद ही आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा जो लेवल का तूफान आया था वो बहुत बहुत डेंजर था। कल से ही न्यूज़ में चल रहा है जो कोस्टल रीजन्स पे साइक्लोन आ रहा है, मुंबई में भी बहुत भयंकर तरीके से साइक्लोन आया, शायद ये उसका इफेक्ट हो सकता है अकोला के ऊपर पर। बहुत बहुत खतरनाक तरीके का जो बारिश आई थी, हवा चल रही थी, मैं भी डर गया था। मैंने सुना है ये थर्ड लार्जेस्ट साइक्लोन है जो कि इंडिया के पास आया है पूरे कोस्टल रीजन की तरफ। होप सो सब जल्दी ठीक हो जाए। आज ज़्यादा कुछ था नहीं बात करने को और दिखाने को भी क्योंकि घर के अंदर ही था। और ये तूफान के चक्कर में घर की लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो गया और मेरे फ़ोन का इंटरनेट भी ख़त्म हो गया। जो व्लॉग मैं सवेरे 12 बजे से एडिट करके बैठा था वो 9 बजे अपलोड हुआ है। दिल से माफ़ी चाहेंगे इस चीज़ के लिए। ये वाला व्लॉग टाइम से आ जाएगा कल। ये व्लॉग तो आप देख रहे हो, ये आ चुका है। चलो बल्ले बल्ले चलो बाहर, बच्चों की जिम्मेदारी है और ये घर में हाहाकार मचा रहे हैं। कल के इंटेंस वर्कआउट के बाद थोड़ी सोरनेस थी बॉडी में तो आज मैंने रेस्ट ले लिया। कल ट्रेनिंग करेंगे, अभी अपना आखिरी मील लेते हैं, बच्चों को खाना देके स्लिप। एक मिल चुका है, वो फिर भी हैप्पी। बार बार दिन ये आए, हजार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल,
ये मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू यूवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज सिर्फ और सिर्फ स्पेशल युवराज भाई के बर्थडे के लिए हमने चीट किया है, वैसे हम बिल्कुल नहीं करते। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने का वक्त आ चुका है। आपको जल्दी ही मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स। I love you.